الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود الشريف اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم معزز علماء الكرام عزيز مكرم طلباء الكرام عزيز بچو اور معزز سامعین کرام حاضرین مجلس میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی جو سب سے پہلی سورت ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے اور بعض مفسرین نے الگ الگ نام سے سورہ فاتحہ کو بتایا گیا ہے کہ اس کا یہ بھی نام ہے یہ بھی نام ہے دیکھو آج کوئی بیان اور تقریر نہیں ہے آج قرآن سمجھنے کا دن ہے بولو انشاءاللہ قرآن رٹنے کی چیز بھی نہیں ہے اور قرآن پڑھنے کی چیز بھی نہیں ہے قرآن سمجھنے کی چیز ہے جو تیسری چیز میں نے جو بتائی اس سے میں بھی محروم ہوں اور آپ بھی محروم ہیں ہم قرآن یاد کر لیتے ہیں
कुरान याद करना ये भी बड़ी फजीलत की बात है। अल्लाह जिसे चाहता है इसे कुरान की दौलत से नवाजता है। अल्लाह का एक नाम है या हफीजू, क्या नाम है बोलो जोर से, या हफीजू, जिसके सीने में अल्लाह ताला कुरान दे देता है अल्लाह अपना खुद नाम उसको दे देता है, इसको कहते हैं हाफिज कुरान। यहफिदो यहफदन से निकला है हाफिजुन। तो अल्लाह ताला अपना नाम दे देता है जिसके सीने में कुरान आ जाता है। कुरान हमारे समाज में हमारे माहौल में याद करना बड़े शौक से मामूल है, और कुरान को पढ़ना भी सब जानते हैं, लेकिन कुरान अल्लाह का कलाम मुझे और आपको क्या कहता है उसे बोलो मैं और आप महरूम हैं। हम पढ़ते तो हैं कुरान, हम रटते तो हैं कुरान को, हम हिफ्ज को याद कर लेते हैं, लेकिन उसको समझना बड़ा मुफीद है। फिर उसको पढ़ा जाए तो उसका पढ़ने का मजा और टेस्ट भी बदल जाएगा। उसको मिसाल से समझाऊं कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है और मेरा कोई खास दोस्त, मेरा महबूब, मुझे चाहने वाला, मुझसे प्यार करने वाला मुझे इंग्लिश में खत लिखकर भेजे और मुझे इंग्लिश नहीं आता है, अंग्रेजी नहीं आता है। अब ये खत को मैं सिर्फ देख सकता हूं, बोलो पढ़ सकता नहीं। अब मेरी तलब रहेगी कि भाई इंग्लिश जानने वाले के पास जाऊं, इसका तर्जमा कराऊं कि भाई ये क्या कहना चाहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुरान तो पढ़ते आता है, लेकिन कुरान हमें क्या कहना चाहता है ये हम मुझे और आपको बोलो समझ में आता नहीं है। तो बोलो इंशाअल्लाह हम हाफिज कुरान भी बनेंगे और साथ साथ में आलिम दीन भी बनेंगे। हाँ, आलिम बनने का फायदा यह होता है कि कुरान समझना। जलालैन पढ़ोगे ना आप जलालैन तो पता चलेगा कि कुरान की तफसीर क्या होती है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने जलालैन को लिखा और तफसीर आपको मिश्कात में पढ़ाई जाती है। या दौरे हदीस में बास जगह पढ़ाई जाती है कि कुरान की तफसीर जब तक आपको समझ में ना आए वहां तक हमें अल्लाह कुरान में क्या कहता है मुझे और आपको बोलो भाई समझ में आएगा नहीं। और सूरह फातिहा से अल्लाह ताला ने अपने कलाम को शुरू किया है। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपनी तारीफ को लाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है। तो बाज़ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह को अपनी तारीफ बड़ी पसंद है। आज कोई बंदा मेरी तारीफ करे, आपकी तारीफ करे तो खुश होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। और उसके ऊपर खुशी के साथ साथ उसके साथ मोहब्बत भी हो जाती है कि नहीं यार मेरा बंदा, ये मेरा भाई मेरी तारीफ करता है, ये भाई मेरे बारे में अच्छा सोचता है, हर वक्त मेरे पीठ पीछे तारीफ करता है। एक बात याद आ गई, अचानक बह देता हूं। बाज लोग कहते हैं कि किसी के मुंह पर तारीफ नहीं करना चाहिए, कहते हैं ना। हदीस में आता है
कि जो आदमी तुम्हारे मुंह पर तारीफ करे आप उसके मुंह पर क्या डालो, मिट्टी डालो। तो मैं एक मरतबा कुरान की तफसीर सुन रहा था मौलाना तारिक जमील साहब की, उन्होंने फरमाया कि देखो तारीफ करने का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी अच्छा काम करे। ये अचानक बात याद आ गई तो मैं कह देता हूँ, और अक्सर तलबा बैठे हैं तो इंशाल्लाह ये बात आगे भी जाएगी इंशाल्लाह। तारीफ का मतलब हदीस में जो हमने बयान किया है, हमने जो समझा है वो ये नहीं है। अब कोई आदमी देखो, कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है, कोई तालिबे इल्म अच्छी बात बता रहा है, सबक अच्छा याद कर रहा है, सबक पारा अच्छा याद करता है, कुरान अच्छा याद कर लेता है, तो उस्ताद को चाहिए कि उसकी तारीफ बोलो भाई करे, उसकी हौसला अफजाई करे। जब उसकी तारीफ और उसकी हौसला अफजाई की जाएगी तो वो बच्चा तालिब इल्म क्या करेगा, आगे तरक्कियों पर पहुंचेगा। तो वहां तारीफ के लफ्ज पर हजरत ने फरमाया, मैंने लुगात में देखा तारीफ जो हम समझते हैं वो नहीं है, वहां खुशामद मुराद है। कि लोग खुशामद करते हैं ना, कर लो कर लो, आप नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा वो, खुशामद करना हदीस में मना किया गया कि किसी के सामने किसी की खुशामद बोलो भाई न करो। तो किसी बंदे ने, किसी अल्लाह के वली ने, किसी अल्लाह के नेक बंदे ने कोई काम अच्छा किया हो तो उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उसके मुंह पर तारीफ करनी चाहिए कि देख बेटा तूने बहुत अच्छा किया है, देखो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात बताई है। तो उससे क्या होगा बोलो भाई, उसकी हौसला अफजाई होगी, वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा कि देखो मैंने अच्छा किया है तो लोग मुझे शाबाशी दे रहे हैं, लोग मेरे सरों पर हाथ रख रहे हैं, लोग मुझे तारीफ से पुकारते हैं, लोग मुझे मोहब्बत की नजर से देखते हैं। तो बंदे को भी तारीफ पसंद है, और तुम्हारे मालिक को, मेरे और आपके अल्लाह को भी सबसे ज्यादा क्या पसंद है बोलो, तारीफ पसंद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है। अब देखो मैं किसी की तारीफ करूं, या हाफिज साहब आपके, नाजिम साहब आपके, मोहतमीम साहब आपके उस्ताद, किसी बच्चे की तारीफ करे या गांव वाले की किसी की तारीफ करे, तो असल में वो अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। किसकी तारीफ कर रहे हैं बोलो जोर से, अल्लाह की। आपको सबक याद कराने वाला कौन, सबक याद करने से पहले क्या करते हैं, काला रब्बि इशरह ली, किससे मांगते हो, अल्लाह से। इसलिए जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की वही नाजिल होती थी, याद रखो ये बात, जब कुरान की वही नाजिल होती थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तेजी के साथ उसको रटते थे, उसको याद करने की कोशिश करते थे। तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, मेरे हबीब, मेरे मुज़म्मिल और मेरे मुद्दसिर ताहा यासीन आका नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जिब्राइल जो कुरान सुनाते हैं उसको ध्यान से सुनो, उसको याद करने की कोशिश और उसमें मेहनत में मत लग जाओ। जो सामने तुम्हें जो दावत दे रहे हैं, जो सुना रहे हैं, उनको ध्यान से सुनो। अब उसको याद रखाने वाला और याद कराने वाला, तुम्हारे सीने में महफूज करने वाला कौन है, अल्लाह। इसलिए किसी बच्चे को सबक याद करा दिया, किसी बच्चे ने मेहनत से सबक याद किया, तो मेरे जहन में, मेरे सीने में इतनी ताकत और इतनी कुव्वत नहीं है कि मैं कुरान को, अल्लाह के कलाम को मेरे सीने में महफूज कर सकूं, मेरे जहन में इतनी ताकत नहीं है कि मैं कुरान का नक्शा मेरे जहन में बोलो भाई बिठा सकूं। ये नक्शा बिठाने वाली जात अल्लाह की है, ये कुरान को महफूज करने वाली जात भी किसकी है, अल्लाह की। इसलिए बाज़ असातिज़ा फरमाया करते थे कि सबक याद करने से पहले सूरह फातिहा को पढ़ लिया करो, क्या करो बोलो जोर से, हाँ
एक मरतबा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और एक जोरदार धमाका हुआ आसमान पर। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ नजर उठाई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि अल्लाह के हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आसमान का एक दरवाजा खुला है जो कभी खुला नहीं है। वो आसमान के दरवाजे से एक फरिश्ता उतरा है जमीन पर, आज तक वो फरिश्ता जमीन पर आया नहीं है। और दो नूर लेकर आया है, वो दो नूर अल्लाह ने पिछली नबियों को, पिछली उम्मतों को भी बोलो दिया नहीं है। वो है सूरह फातिहा और आमनर रसूलो, सूरह बकरा का आखिर को वो फरिश्ता लेकर आया। और मैं अभी ईशा के पहले कुरान की तफसीर पढ़ रहा था, वह बैठे बैठे वहां एक हदीस मैंने पढ़ी कि अर्श के नीचे जो खजाने हैं, उस खजाने में से अल्लाह जल्ले जलालुहु अम्मन वालुहु ने चार चीजें भेजी है, चार चीजें, चार खजाने भेजे हैं जो पिछली उम्मतों को नहीं मिले, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मिले। वो खजाने वो है जो इसमें से सबसे पहला खजाना है सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दूसरा खजाना है आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم। जो हर नमाज के बाद पढ़ेगा उसको मरने के बाद अल्लाह ताला उसको सीधी जन्नत अता कर देगा, इसकी फजीलत है। और सूरह बकरा का आखिरी रुकू, आमनर रसूल बिमा उन्ज़िल इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाहि तआला वल बअथ बादल मौत। सही है, आप लोगों ने बोला भी नहीं, कहां पहुंच गया मैं? ईमान मुफस्सर ईमान मुजमल पर पहुंच गया। आमन रसूल बिमा उन्ज़िल इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही वरुसुलिही लानुफर्रिकु बैना, ये मुशाबिहत लगी यहां पे, लानुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली वकालु समिअना व अताअना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर अल आखिर। सोने से पहले पढ़ लिया करो, अल्लाह ताला इस पढ़ने वाले को उसी रात उसकी मौत आ गई, अल्लाह उसका नाम शोहदा में लिख दे। कितने खजाने हो गए? तीन। चौथा खजाना है सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। उसकी फजीलत बतलाऊं? उसकी फजीलत यह है कि जो बंदा 129 मरतबा सूरह कौसर लिखकर अपने जेब में रखेगा या अपने पैसे जहां रखते उस वहां रखेगा, अल्लाह वहां से कभी पैसे को बोलो भाई खत्म होने देगा नहीं। मैंने खुद रखा हुआ है लिख के, हाँ कई सालों से रखा हुआ है मैंने, उसकी फजीलत है। और जो बंदा रोजाना 129 मरतबा इन्ना आतैना 1029 मरतबा, 129 दो और नौ 29 मरतबा उसको पढ़ेगा, आगे पीछे तीन तीन मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले उसको पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको गैब से रोजी अता करेगा।
बहुत फजीलत है उसकी, अभी तो मैंने दो तीन ही बताई। और जो रोजाना सूरह कौसर पढ़ता रहेगा अल्लाह ताला उसको बहुत जल्द नबी का दीदार नसीब कर देगा। इससे बड़ी फजीलत क्या चाहिए। जो रोजाना 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ेगा अल्लाह उसको बहुत जल्दी दोनों हरमैन शरीफेन की ज्यारत नसीब कर देगा। बोलो कम नेमत है, कम फजीलत है, पढ़ोगे बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, पहले सबक फिर ये वजीफा पढ़ना, ऐसा नहीं कि पहले ये वजीफा और सबक को सदकल्लाहु लजीम कर दे तो नुकसान होगा ही। तो अजीजो मेरे प्यारो, अल्लाह को अपनी तारीफ बोलो भाई क्या है, बहुत पसंद है। और सूरह फातिहा अल्लाह ताला ने वो सूरत मुझे और आपको और मेरे नबी को अता की है। अल्लाह ताला ने वो ये सूरत को तौरात में भी नहीं बनाई, जबूर में भी नाजिल नहीं की, इंजील में भी नाजिल नहीं की। ये सूरत अल्लाह के अर्श के खजानों में से, ये खजाना सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया और उसकी उम्मत को दिया गया। शैतान है ना, शैतान रोया हुआ रोता था। कब कब रोया शैतान? शैतान उस वक्त तक रोया जब सबसे पहले कुरान पाक की सूरह फातिहा नाजिल हुई, उस वक्त क्या हुआ था, शैतान रोया था। दूसरी मर्तबा उस वक्त रोया जब उसको उस पर लानत भेजी गई, उसको धुतकार दिया गया, उस वक्त भी बोलो भाई शैतान रोया था। और तीसरा उस वक्त रोया जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में पैदा हुए, उस वक्त भी शैतान रोया हुआ था। ये इसराल कुरान में लिखा हुआ है, देख लेना उठा के बाद में। ये ईशा से पहले की मेहनत है, अभी पहले से मुताला करके आता तो और कुछ सुना देता। तो अजीजो मेरे प्यारो, सूरह फातिहा अल्लाह के खजानों में से एक बहुत बड़ा खजाना है, उसको समझो। सूरह फातिहा को पहले समझो, कि इसलिए कहा गया ना कि पूरे कुरान का निचोड़ किसमें है, बोलो भाई सूरह फातिहा में। और सूरह फातिहा का निचोड़ किसमें है, इय्याक नअबुदू और पूरे इय्याक नअबुदू वइय्याक नस्तईन का निचोड़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बिस्मिल्लाह का पूरा निचोड़ किसमें है, बिस्मिल्लाह की बाब में है। ये जितनी भी दुनिया में तारीफ हो रही है, बच्चा होशियार है, तालिब इल्म पहला नंबर लाता है, कुरान अच्छा पढ़ता है, तो उसको आवाज देने वाला कौन, उसको जहन देने वाला कौन, उसको याद कराने वाला कौन, उसको तरक्की देने वाला कौन, उसको बुलाने वाला कौन, उसको इज्जत देने वाला कौन, उसको हर चीज पर कामयाबी देने वाला कौन। तो किसकी तारीफ हो रही है असल में, अल्लाह की तारीफ। हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, असल में किसकी तारीफ हो रही है, अल्लाह की तारीफ हो रही है। और हर वक्त हम अल्लाह की तारीफ को बयान करते रहेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इसलिए अल्लाह ताला ने सबसे पहले कुरान की आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालनहार है, तो सबको पालता है, सबको पोसता है, सबको पालकर पोसकर जो जिंदगी देता है, मौत देता है, इज्जत देता है, बीमारी देता है, सेहत देता है, बेइज्जत करता है, हर चीज का मालिक कौन है, बोलो भाई अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये रोजी देने वाला भी अल्लाह है, कौन है, जोर से बोलो, रोजी देने वाला अल्लाह। मैं और आप किसी को रोजी नहीं दे सकते। आज हम दो रोटी के लिए, इंसान को कितनी रोटी चाहिए बोलो जोर से, बहुत बहुत ज्यादा खाने वाला हो तो 6 रोटी खाएगा, इससे ज्यादा बोलो भाई कैपेसिटी किसी की है नहीं। जो अल्लाह मुझे और आपको दो वक्त की रोटी इज्जत से खिलाता है, ये रोजी देने, इसलिए तो अल्लाह ने रोजी का मामला किसके पास रखा है, अपने पास रखा। दो रोटी के लिए इंसान कितना इधर से उधर, काला धोला,
इधर की टोपी इधर, इधर की टोपी इधर, इसको धोखा देता है, उसको धोखा देता है, उसके सामने झूठ बोलता है, इसको बेवकूफ बनाता है, इसको इधर दौड़ाता है, उसको उधर दौड़ाता है। इंसान करता है ना दो रोटी के लिए। लेकिन मैं आपको दुनिया की एक मिसाल समझाऊं। मैंने पढ़ने के जमाने में सफारी पढ़ी थी, सफारी किताब आती थी पहले, शायद अभी आती है कि नहीं आती पता नहीं। तो सफारी किताब मेरे हाथ लग गई, तो सफारी के अंदर मैंने पढ़ा था कि अल्लाह ताला व्हेल मछली, व्हेल मछली को जानते हैं कि नहीं, जो दरिया में होती है, व्हेल मछली को एक लुकमे में दो मन खिलाता है। कितना बोलो भाई? एक मन कितने का होता है? 20 किलो का। और दो मन कितने हुए? 40 किलो का एक लुकमा अल्लाह ताला व्हेल मछली को खिलाता है। ऐसे दिन में अल्लाह ताला व्हेल मछली को 4 लुकमे खिलाता है। कितने जोर से बोलो। तो क्या अल्लाह मुझे और आपको दो रोटी नहीं खिला सकता? जो समंदरों में रहने वाली इतनी बड़ी मखलूक, इतनी बड़ी बला, जो एक लुकमे में 40 किलो खाने वाले, ऐसे 4 लुकमे अल्लाह उसको खिलाता है रोजाना, क्या हम तो अशरफुल मखलूकात है, तो क्या अल्लाह मुझे और आपको नहीं खिला सकते? तो अजीजों मेरे प्यारो, हर वक्त अल्लाह की तारीफ, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करने का कहा, लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम वलाइन कफर तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतों में इजाफा करता रहेगा, और नाशुक्री करोगे तो अल्लाह ताला क्या कर लेगा? छीन लेगा। अब मैं इस पर एक बात बतलाऊं, अक्सर तलबा बैठे हैं और मेरा सबक है आज का कुरान का, तो मैं दरस कुरान में कह देता हूं, अक्सर तलबा के जिसके जहन होते हैं, याददाश्त तेज होती है, वो गुनाह ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं बोलो जोर से? और उस्ताद के सामने नाफरमानी ज्यादा करते हैं, उस्ताद को आंखें निकालना, उस्ताद की बदतमीजी करना। जो कमजोर बच्चा होता है ना, वो इतनी जरूरत बोलो भाई नहीं करता। ये तरबियत कर रहा हूं। जिसके पास याददाश्त होती है, एक मरतबा पढ़ता है, दो मरतबा पढ़ता है, क्या हो जाता है बोलो इसको? सबक याद हो जाता है। वो फिर दूसरे बच्चों को सताता है क्लास में, ये भी अल्लाह की नेमत की क्या हो गई बोलो भाई? नाशुक्री हो गई कि अल्लाह ने तुम्हें जहन दिया तो जहन से और एक सफा याद कर सकते थे, लेकिन तुमने तो तुम्हारा से याद कर लिया, लेकिन दूसरे भाई को तुमने परेशान किया और उस्ताद को तुमने हकीर समझा और तुमने सबकी बदतमीजी की। आरजी तौर पर तुम्हारे पास इल्म तो आ जाएगा, याद रखो ये मेरा अल्फाज, आरजी तौर पर, वक्ती तौर पर इल्म तो आ जाएगा, लेकिन इल्म तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा पाएगा। तो अजीजों मेरे प्यारों, मेरी क्लास में अव्वल नंबर पर मिशकात पूरी मुंह पे, मिशकात जो हदीस की किताब है, मुंह पर जुबानी हिफ्ज, लेकिन आज मोबाइल बना रहे हैं। क्या बना रहे बोलो जोर से? मोबाइल। कुरान अल्लाह खैर से अल्लाह भूल गए। और मैं सबसे अखीर में बैठने वाला तालिब इल्म, जिसने गुजराती में के ढब्बुनो ढ इन्हें हूं कि भाई बोलो जोर थी, उस्ताद नजर भी नहीं उठाते थे कि भी ये क्या करेगा। आज वही उस्ताद फखर से हमें देखते हैं कि अल्लाह ने क्या से कहां पहुंचाया। ये है माँ बाप की दुआ और उस्ताद का एहतराम, उस्ताद के साथ अच्छा सुलूक, उस्ताद की इज्जत करना। आज भी हमारे उस्ताद हमारे सामने आ जाते हैं, हम पानी पानी हो जाते हैं। और आजकल के तलबा का क्या हाल है? सामने से उस्ताद के सामने, देखो मैं मोबाइल लाए लाऊं, दिखाते कि नहीं दिखाते? हम लोग जब हांसोट पढ़ते थे, हांसोट दारुलूम में, उस वक्त साइकिल चलती थी, साइकिल तो गांव में जाने के लिए हम साइकिल पर जाते थे, तो सामने से उस्ताद चलते चलते आते थे, हम साइकिल से नीचे उतर जाते थे और चलते चलते साइकिल को ले जाते थे और एक तरफ चिपक के चलते थे। लेकिन आज क्या है, बाइक लेके उस्ताद के सामने जाएगा, जो है कि नहीं? इसलिए दीन का एहतराम हमारे दिलों से खत्म हो गया।
जब तक उलमा का अपने असातिजा का एहतराम नहीं होगा वहां तक मुसलमानों इल्म का नूर नहीं आएगा। आरजी तौर पर तुम्हारे जहन के एतबार से आरजी तौर पर इल्म तो आ जाएगा लेकिन इल्म से तुम फायदा नहीं उठा पाओगे, खुद भी नहीं उठा पाओगे और लोगों को भी बोलो भाई उठा नहीं पाओगे कि तुम लोगों को इल्म भी नहीं बेच पाओगे कि लो फैलाओ उसको। इसलिए उस्तादों का अदब, उस्तादों का एहतराम, उस्ताद के सामने बदजुबानी नहीं करना, ये सब चीजें मुसलमानों मुझे और आपको दुनिया से भी और आखिरत में भी, दुनिया में भी आखिरत में भी, घर में भी घर के बाहर भी और क्लास में भी दरसगाह के बाहर भी मुझे और आपको इज्जत दे सकते हैं जब हमारे दिलों में क्या होगा बोलो जोर से एहतराम। जब 2004 में पानी आया था आपको तो नहीं पता होगा, हाफिज साहब को पता होगा, यह जहां उलमा बैठे हैं, 2004 के अंदर पानी आया था, यहां 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 2006 में आया था, हमारे अंकलेश्वर की तरफ 2004 में आया था। तो उस वक्त मैं हासोट में हिज क्लास पढ़ता था, उस्ताद फैंट मारने यहां गए तो सीधी फैंट कहां लगी, यहां, ये नाक के दो टुकड़े कर दिए उस्ताद ने। अभी फिलहाल भी एक नाक का सुराख बंद है और एक बोलो भाई शुरू है। जब सर्दी हो जाती है तो मुंह से ही खाना होता है, मुंह से ही पीना होता है, मुंह से ही सांस लेना होता है। उस वक्त मेरा पूरा जुब्बा, अरबी जुब्बा खून से भर गया था, ये इबरत के लिए सुना रहा हूं, तहसीन बिन नेमत के तौर पर सबक के एतबार से। उस वक्त डॉक्टर डिपावली वडाचा रोड या भागलचा रास्ता पे उसका दवाखाना है, उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था 2004 में पानी उतरने के बाद। ये पूरा प्लास्टिक सर्जरी है, मेरा आवाज इससे भी अच्छा और इससे भी सुनहरा आवाज था लेकिन नाक की फटने की वजह से बोलो आवाज में कैसी आ गई, फटन आ गई, फिर भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा आवाज है अभी भी। पूरा जुब्बा मेरा खून से तरोतर हो गया था। लोगों ने कहा मुफ्ती अब्दुल्ला साहब को कि ये बच्चा आपके मदरसे में था, दोनों हाथ तोड़ दिए, उसके नाक तोड़ दिया। मेरा वालिद साहब दावत तबलीग में लगे थे, हजरत मौलाना मोइनुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, जो सूफी बाग में एक ज़माने में मैं तरावी पढ़ाता था, मौलाना मोइनुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की पूरी रात पांव दबाते थे हम लोग, अल्लाह वाले शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह के खानकाह में फजाइल आमाल की तालीम करने वाले हजरत जानते होंगे। तो पूरी रमजान में कारी इमरान मेमन के साथ यहां तरावी सूफी बाग में दारुलूम में पढ़ाता था स्टेशन के सामने और हजरत की खिदमत करता था। तो उस वक्त अल्लाह वालों की दुआ और मेरे वालिद साहब उनके खलीफा थे, हजरत ने वहां से इजाजत दी मेरे वालिद साहब को, अभी अभी मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब ने भी इजाजत दी, खिलाफत दी, आलिम नहीं है मेरे वालिद साहब, दावत के काम में लगे, फिर मिजाज बना उलमा की मजलिस में बैठना, उलमा से मोहब्बत। अब ये हुआ मेरे वालिद साहब को लोग भड़काने आ गए कि देखो तुम्हारे बच्चे का ये ऐप कर दिया, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप एक काम करो आप केस कर दो, दारुलूम को ताले लग जाएंगे। क्या कहा, दारुलूम को ताले लग जाएंगे। अभी मैं आपके यहां पाला आया था ना पहली जुमा में, तो मेरा यहां जोहर में यहां बयान था, रात को हांसोट में बयान था मेरा, तो हांसोट वालों को मैंने सुना, मैं यहां की गली गली से वाकिफ हूं मैं, और मैंने दारुलूम में ही नमाज पढ़ाई। मेरे जो असातिजा थे देखकर बेचारे आंखों से आंसू निकल आए, इलियास तू छे आ, क्या कहा, जिसको एक लिटी एक लकीर एक लाइन भी याद नहीं होती थी कुरान की, तो ये है मौली मूसा तंकारवी,
हाफिज अयूब उमरवाड़ी, मौलवी सुलेमान बस्ती, मौलवी अब्दुलरहमान मुफ्ती साहब के भाई, इलियास तू है ये? जी हजर, आप लोगों की दुआ से ही हूँ। वहाँ ईशा की नमाज मैंने पढ़ाई, फिर गांव में गया बयान किया, तो फिर मैंने देखा कि मेरा बचपन मुझे देखना है, तो मेरे वाली साहब को लोगों ने भड़काया, तो वो एक लफ्ज मुझे सुनाना है। मेरे वाली साहब को लोगों ने भड़काया था कि केस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मेरे वाली साहब ने कहा कि नहीं, मेरे बेटे ने वहां तालीम ली है, वो जान भी ले लेते मेरे बेटे की, मैं उफ तक नहीं बोलूंगा उनको। क्या कहा था मेरे वाली साहब ने? उफ तक नहीं कहूंगा। उस वक्त मुफ्ती अब्दुल्ला साहब हांसोती रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनकी बाल बाल मगफिरत फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए। उस वक्त मेरे वाली साहब को कहा था, सुलेमान ये मत समझना कि इलियास मेरे दारुलूम से खाली जा रहा है, बहुत सारी चीजें चोरी कर कर यहां से ले जा रहा है। ये क्या कहा था? बहुत सारी चीजें यहां से चोरी करके ले जा रहा है, बहुत सारी चीजें ले जा रहा है। उस वक्त मैं हंसा, इस तरह किया मैंने, क्या लेके आया हूं? सिर्फ 15 पारा लेके आया हूं, 15 पारा हिफ्ज किया है, मैं क्या लेके आया हूं? अब जो जो बड़ा होता हूं, जो जो लोगों के सामने आता हूं, और अल्लाह ताला ऐसी बातें कहलवाता है कि कभी मैंने कुरान में हदीस में मेरे मुताले में भी नहीं आई होगी, लेकिन अल्लाह ताला मजमे के एतबार से ऐसी बातें कहलवा देता है कि बयान के बाद मैं खुद अश करता हूं कि मैंने ये बात कह दी, इतनी बड़ी बात कह दी। ये है बोलो भाई उस्ताद की, 2004 में दुआ दी, उसका असर कब पता चला? 2022 में, 23 में, 21 में पता चलता है। याद रखो, एक माँ बाप की दुआ और एक उस्ताद की दुआ कभी रायगा नहीं जाती। तो बस आज की मजलिस यही खत्म करता हूं कि अपने असातिज़ाओं की खिदमत करेंगे, बोलो इंशाल्लाह, अदब एहतराम करेंगे, बोलो इंशाल्लाह। मदरसा, मदरसे की एक चीज किसकी है बोलो भाई? हमारी है, ये सब चीजें हमारी है, ये हमारी चीज समझकर उसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उसको मैं कभी बोलो भाई नुकसान करने का बोलो भाई दिल चाहेगा नहीं। तो हर तारीफ, देखो कोई बच्चा पढ़ता हो उसको कहो माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा तो, उसकी हौसला अफजाई करो, उसकी तारीफ करो। असल में तारीफ किसकी होती है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का मालिक और पालनहार है। करोगे ना? बोलो इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह की भी तारीफ बयान करो, लोगों को अच्छा काम करे, लोग पहला नंबर लाए, बच्चे पहला नंबर लाए, कुरान याद करे, कुरान सबक सुनाए पक्का। असातिज़ा को भी कहता हूं, जब बच्चा पक्का कुरान सुना दे, पक्का सबक सुना दे, सबक पारा सुना दे, दौड़ सुना दे, आमोख्ता सुना दे, तो उसकी हौसला अफजाई करे। क्या करे बोलो जोर से? हौसला अफजाई करे, तो इससे इंशाल्लाह बच्चा तरक्कियों पर जाएगा। क्या जाएगा बोलो जोर से? तरक्कियों पर जाएगा। अल्लाह ताला जितनी भी बातें कही है, बाकी बात इंशाल्लाह दूसरी मजलिस में जब भी जमेगी तो अर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह तो याद हो गया कि नहीं हो गया? बोलो जोर से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। हमेशा किसकी तारीफ करना है? अल्लाह की तारीफ। बस इतना याद कर लो कि कोई बिल्डिंग बनाता है उसके पीछे किसकी तारीफ हो रही है? कोई याद कर होशियार होकर अव्वल नंबर लाता है उसके पीछे किसकी तारीफ हो रही है? मोबाइल बनाने वाले साइंस और टेक्नोलॉजी की तारीफ नहीं हो रही है, उसको जहन देने वाला कौन है उसकी बोलो भाई तारीफ हो रही है। तो तमाम तारीफें किसकी हो रही है? अल्लाह की हो रही है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान समझने की तौफीक नसीब फरमाए, कुरान से लौ लगाने की तौफीक अता फरमाए, कुरान का फहम, कुरान का समझ अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अता फरमावे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।